ये सवाल सदियों से परेशान करता आया है कि कौन पहले आया, मुर्गी या अंडा। लेकिन अब कुछ साइंटिस्ट दावा कर रहे हैं कि उन्हें इस सवाल का जवाब मिल गया। क्या है वो आंसर? दोस्तों, क्या आपको पता है मनुष्य के अलावा एक और जीव है जो टेलीफोन पर एक दूसरे से बात कर सकती है? क्या है वो जीव? और दोस्तों, अगर आप एक एक करके अपने शरीर के सारे अंगों को निकाल कर बेचेंगे तो सब कुछ मिलाकर आपको कितने पैसे मिलेंगे, ये भी आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस तरह के अजब गजब 20 रैंडम फैक्ट्स जानने के लिए ये वीडियो एकदम एंड तक देखते रहे दोस्तों। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, दिन की शुरुआत एक करक सी चाय से ना हो तो मजा नहीं आता। बट ये चाय शब्द आया कहां से? दोस्तों, चाय एक चाइनीज वर्ड है जिसे भारत में इस्तेमाल किया जाता है। चाय को हिंदी में दूध और जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना कि मेटल भी खाने का चीज हो सकता है? फ्रांस में रहने वाले माइकल लोटिटो एक ऐसा इंसान है जो अब तक करीब 9 टन तक मेटल खा चुका है। ऐसा ये पीका नामक एक बीमारी के कारण हुआ है। इसमें व्यक्ति उन चीजों को भी खा लेता है जिन्हें नॉर्मल इंसान कभी खा नहीं सकता। कितना अजीब फैक्ट है ना दोस्तों। फैक्ट नंबर 18। कोलंबिया के तट पर सैन बर्नार्डो के द्वीप समूह में सैंटा क्रूज आइलैंड दुनिया की सबसे ज्यादा घनी आबादी वाली द्वीप है। इस द्वीप का आकार सिर्फ 2 फुटबॉल मैदान के बराबर है और इतनी सी जगह पर करीब 1250 लोग रहते हैं। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों, रिवर पोल्यूशन हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। सभी सरकारें अलग अलग रिवर क्लीनिंग स्कीम्स भी लागू किए लेकिन एक भी स्कीम सक्सेसफुल नहीं हुआ। पर आप जानकर आश्चर्य होंगे कि बलवीर सिंह नाम के एक सिख धर्मगुरु ने किसी तरह की सरकारी मदद के बिना ही 160 किलोमीटर लंबी नदी को अकेले साफ किया। सो दोस्तों, सच्चे दिल से अगर आप करना चाहते हैं तो वो काम आप जरूर कर पाएंगे। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों, शिक्षा पर गरीब से लेकर अमीर तक सबकी हक होनी चाहिए, इसलिए एक तरफ जहां पर प्राइवेट स्कूलों में लाखों रुपए ट्यूशन फी है, वहां पर आसाम के गुवाहाटी के एक स्कूल में ट्यूशन फी के बदले प्लास्टिक का कचरा लिया जाता है। इससे गरीब बच्चे पढ़ भी पाते हैं और साफ सफाई भी रहती है। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक चीज के लिए सैमसंग का नाम पूरी दुनिया में है, बट आप शायद नहीं जानते कि सैमसंग कंपनी का कंस्ट्रक्शन बिजनेस भी है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्टर सैमसंग ही है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंस्ट्रक्शन के अलावा सैमसंग का एक और बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, वेरोनिका सेडर एक जर्मन महिला है। आप जानकर हैरान होंगे कि उनकी दृष्टि शक्ति नॉर्मल लोगों से 20 टाइम्स ज्यादा पावरफुल थी। वो 1.5 किलोमीटर दूर से भी किसी व्यक्ति को आराम से पहचान सकती थी। My God, है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, नासा में जॉब करना हर साइंटिस्ट का सपना होता है। बिहार के भागलपुर के ध्रुवगंज गांव में रहने वाले गोपाल ने केले के ताने का उपयोग करके घरों में बिजली जलाकर दिखाया और इसके लिए नासा ने गोपाल को 3 बार जॉब ऑफर किया, लेकिन वे तीनों ही बार नासा का ऑफर रिजेक्ट कर चुके हैं। गोपाल का कहना है, देश की सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है। दोस्तों, गोपाल जैसे लोग ही असली देशभक्त और देशप्रेमी हैं। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, ये मीम फेस सोशल मीडिया में बहुत ही पॉपुलर है, बट क्या आप जानते हैं ये मीम फेस एक्चुअली रियल लाइफ में एक व्यक्ति का फेस है? चाइनीज बास्केटबॉल प्लेयर याओ मिंग का फेस है ये। है ना दोस्तों अमेजिंग। ये जानकर आपका रिएक्शन कैसा है वो जल्दी से आप नीचे कमेंट करके मुझे बताओ। फैक्ट नंबर 11। प्लेटीपस दुनिया का एकमात्र ऐसा जीव है जो दूध और अंडे एक साथ देता है, और दोस्तों ये जीव मेनली ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आप जानकर चौंक जाएंगे कि फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के एक रिसर्च के मुताबिक यदि मधुमक्खियां धरती से गायब हो जाए तो इंसान सिर्फ 5 साल तक जिंदा रह पाएंगे। अब ऐसा क्यों, वो तो आइंस्टाइन साहब ही जानते थे। फैक्ट नंबर 9। ब्रूसली की लात की स्पीड इतनी तेज थी कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें शूट को 34 फ्रेम धीरे करना पड़ता था ताकि स्क्रीन पर यह ना लगे कि ब्रूसली नकली एक्टिंग कर रहे हैं।
क्योंकि किसी भी आम इंसान के लिए इतनी गति से लात चलाना लगभग नामुमकिन था। फैक्ट नंबर 8, महाराष्ट्र की सिंधुताई सपकाल को मादर ऑफ ऑर्फेंस यानी अनाथ बच्चे की माँ के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अब तक 1400 से अधिक अनाथ बच्चों को पाला पोसा है। अब उनके परिवार में 207 दामाद, 36 बहू और 1000 से अधिक पोते पोती है, जिनमें से काफी फेमस वकील और डॉक्टर भी है। उनके काम की वजह से उन्हें 273 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति और मदर टेरेसा जैसे पुरस्कार भी शामिल है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों जैसे हम हमारे परिचित व्यक्तियों को उनकी आवाजों से पहचान सकते हैं, वैसे ही डॉल्फिन भी अपने बच्चे और जान पहचान वालों को बिना देखे सिर्फ आवाज सुनकर पहचान सकती है। उनकी भी अपनी अलग सी भाषा होती है, और आप जानकर हैरान होंगे कि डॉल्फिन फोन पर एक दूसरे से बातचीत भी कर सकती है और पता लगा सकती है कि टेलीफोन पर कौन है। फैक्ट नंबर 6, केनिया में पीने के पानी की समस्या को सुलझाने के लिए इलोन मस्क ने केनिया में एक ऐसा सोलर पावर प्लांट लगाया है जो समुद्र के पानी को पीने के पानी में कन्वर्ट करता है। इससे रोजाना 35,000 लोगों को साफ पानी मिल रहा है। थैंक्स टू इलोन मस्क। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों ये है मोहम्मद शरीफ उर्फ चाचा शरीफ। चाचा शरीफ पिछले 25 सालों में लगभग 25,000 लावारिश लाशों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक चाचा शरीफ ने कभी भी लाशों को धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। उन्होंने हिंदुओं के शवों को दाह संस्कार किया और मुसलमानों के शवों को दफन किया। चाचा पेशे से एक मैकेनिक है और अपनी रोजी रोटी के लिए खूब स्ट्रगल करते हैं। और दोस्तों चाचा शरीफ को आज भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों प्यार के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, ये कहानी सुनकर आप चौंक जाएंगे कि चीन का एक लड़का भारतीय मुद्रा में 42 लाख रुपए खर्च करके 99 आईफोन 6s खरीद कर पब्लिक प्लेस में उन फोनों को हार्ट शेप में सजा कर अपने क्रश को प्रपोज किया। लेकिन ये सुनकर आप ज्यादा चौंक जाएंगे कि इसके बाद भी लड़की ने ना बोला, बेचारे की किस्मत बहुत खराब थी। फैक्ट नंबर 3, अगर आप एक ही जगह से हर हफ्ते एक ही समय पर पूरे एक साल तक सूरज की फोटो खींचेंगे तो सारी छवियों को मिलाकर सूरज इस तरह का दिखेगा। इस फोटो या डायग्राम को एनालेमा कहते हैं। दोस्तों अगर आप ये पहली बार सुन रहे हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों अगर आप एक एक करके अपने शरीर के सारे अंगों को निकालकर बेचेंगे तो सब कुछ मिलाकर आपको मिलेगा लगभग $45 मिलियन, भारतीय मुद्रा में करीब 340 करोड़ रुपए। सो अपने आप को कभी भी बेकार मत समझना दोस्तों। एंड फाइनली फैक्ट नंबर 1, ये सवाल सदियों से परेशान करता आया है कि कौन पहले आया, मुर्गी या अंडा। फाइनली शेफील्ड यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसरों को इसका जवाब मिल गया। एक शेल यानी अंडे का खोल तैयार करने के लिए ओवोक्लेडिन 17 नाम के जिस प्रोटीन की जरूरत होती है वो सिर्फ मुर्गी के अंडाशय में होता है। तो इसका मतलब है अंडा मुर्गी से आया। तो दोस्तों मुर्गी कहां से आई? उन प्रोफेसरों का कहना है कि चिकन प्रजातियों से मिलते जुलते कुछ पक्षी प्रजातियों के अंडे से मुर्गी पैदा हुई। तो पहले अंडा या मुर्गी? इसका स्ट्रेट आंसर है मुर्गी, क्योंकि मुर्गी के अंडाशय में रहने वाली ओवोक्लेडिन 17 प्रोटीन के बिना अंडा तैयार होना संभव नहीं है। तो ये रहा आज का 20 अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स से भरे एक और फ्रेश वीडियो लेकर मैं बहुत जल्द लौटूंगा। आज के लिए धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड।